गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष कर माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु एवं यश के लिए रखती हैं। यह व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है और सुख शांति को प्राप्त होता है, सुख शांति प्राप्त होती है। गणेश जी का पूजन करने की विधि पंचोपचार से भगवान गणेश जी की पूजन या षोडशोपचार से भगवान गणेश जी का पूजन करें। रवली मौली लौंग इलायची पान पत्ते दुर्वा तथा नैवेद्य आदि को चढ़ाकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते वक्त अपने जो भी आपकी मन की इच्छा है, मन में जो आपके हैं, भगवान गणेश जी के समक्ष उसे कहें, अपने मन के अंदर उसको कहें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है तथा इस दिन 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार संकट चौथ का व्रत बड़े धूमधाम से करना चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वा आदि चढ़ाएँ, विशेषकर भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और रात्रि के समय चंद्रोदय लगभग 9 बजे, दिल्ली का समय है, चंद्रोदय लगभग 9 बजे होगा। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रदेव को अर्घ दें, अर्पण करें तथा विधि पूर्वक पूजन करके अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करें और संकट चौथ का कथा सुने। कथा की विधि किसी ब्राह्मण द्वारा सुने या अपने कोई उत्तम पुस्तक मंगवा कर कथा करें और भगवान गणेश जी को गणेश जी से प्रार्थना करें। ऐसी पूजा करने से भगवान गणेश जी कृपा विशेष कर भक्तों के ऊपर बनी रहती है तथा पूजा करने से दैहिक एवं मानसिक कष्टों से निवृत्ति होती है। भगवान गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है तथा मोदक अति प्रिय है तथा इसलिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाकर भगवान गणेश जी के स्तोत्रों का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा विशेषकर भक्तों के ऊपर बनी होती है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरिः। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ॐ श्रीगणेशाय नमः।